हेलो, एमएससी केमिस्ट्री सेम थर्ड स्टूडेंट्स, आज हम लेंगे कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट और काफ़ी कुछ हम पहले वाले क्लासेस में ले चुके थे, आज जो हम ले रहे हैं वो है केमिकल शिफ्ट ऑफ कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये हमारा पेपर 11th है और उसका यूनिट 1st है। तो आज का जो टॉपिक है वो है केमिकल शिफ्ट ऑफ कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि केवल कार्बन 13 आइसोटोप जो है वो ही एनएमआर एक्टिव होता है, बाकी के जो दो आइसोटोप हैं कार्बन 12 और कार्बन 14 वो एनएमआर इनएक्टिव होते हैं। और जो कार्बन 13 आइसोटोप एनएमआर एक्टिव है उसकी अबंडेंस बहुत कम है, लगभग उसकी अबंडेंस 1.08% होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 100 एटम में से कोई एक कार्बन एटम एक्टिव होता है, या हम कहें कि वो कार्बन 13 होता है। अब हम यहाँ पर उसकी जो एक्टिविटी है या जो एक्टिव कार्बन है, हम यहाँ पर केवल उसकी ही बात करेंगे, क्योंकि हमको हमारे यहाँ पर केवल कार्बन 13 ही लेना है। इसलिए अब जो भी स्टडी करेंगे, जो भी डिस्कशन करेंगे, वो हम केवल कार्बन 13 का ही करेंगे। जो रूल हम पहले हाइड्रोजन पर लगा रहे थे, या हम कहें जो हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में लगा रहे थे, वो सारे रूल यहाँ अब कार्बन 13 पर भी लगते हैं। अब इस जगह पर कार्बन की 13 की ही बात होगी, अब हम यहाँ पर हाइड्रोजन को डिस्कस नहीं करेंगे, वो एनएमआर हम पहले वाली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा इससे पहले वाली क्लास में भी हम पीएमआर और एनएमआर इन दोनों को कंपेयर भी कर चुके हैं, इसलिए केवल एक्टिव कार्बन की ही स्टडी यहाँ पर लेते हैं। ये जो कार्बन है वो अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग पीक देगा। यहाँ पर भी हम एक रेफरेंस के रूप में लेते हैं, जैसे हम एनएमआर में लेते थे वो टीएमएस ही यहाँ पर भी यूज़ होगा, उसमें भी हम टीएमएस ही लेते थे रेफरेंस, यहाँ पर भी हम रेफरेंस के फॉर्म में या रूप में टीएमएस को ही लेते हैं। अब टीएमएस से पीक जितनी दूर होती है उसका मतलब ये है कि वो डाउन फील्ड में पीक आ रही है, और उसका मतलब ये है कि ये बहुत लो मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर पीक टीएमएस के पास में आती है उसका मतलब ये है कि ये बहुत अप फील्ड में है, और वो हाई मैग्नेटिक फील्ड उसके लिए हमको लगाना पड़ता है। अब एनएमआर में सारी जो वैल्यूज़ है वो टीएमएस के पास में ही से ही स्टार्ट होती है, और मैक्सिमम 11-12 पीपीएम के पास में जाकर ख़त्म हो जाती है। और एनएमआर के अंदर सबसे ज़्यादा जो डाउनफील्ड वाली पीक आती है वो एल्डिहाइड और बेंजीन की ही आती है, और वो लगभग 12 पीपीएम के पास तक जाकर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। जबकि कार्बन 13 स्पेक्ट्रोस्कोपी में कार्बन के न्यूक्लियस को हाइड्रोजन न्यूक्लियस जितनी मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता नहीं होती है, और कार्बन का जो रेजोनेटिंग पीक है वो बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड पर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टीएमएस से बहुत दूर चला जाता है, या हम कहें कि इसकी जो पीक मिलती है वो बहुत बहुत ज़्यादा डाउन फील्ड में मिलती है। इसलिए जो कार्बन की पीक अलग अलग एटमॉस्फेयर में अलग अलग पीक आती है, और ये 8 पीपीएम से स्टार्ट होकर 220 ppm तक चली जाती है। ये हम यहाँ पर एक टेबल लेंगे और उसके अंदर बताएंगे कि इसकी जो पीक आती है वो कहाँ 220 ppm तक मिलती है, उसका मतलब ये बहुत नीचे चली जाती है।
कार्बन स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो ग्राफ है बहुत लॉन्ग रेंज कवर करता है, जबकि एनएमआर का ग्राफ बहुत ही कम रेंज कवर करता है, क्योंकि अभी जैसा हमने ऊपर बताया कि मैगजिम ज़्यादातर 12 ppm के पास जाकर ख़त्म हो जाती है, तो उसका मतलब ये हुआ कि एनएमआर का तो जो ग्राफ है बहुत शॉर्ट रेंज में ही हो जाता है, जबकि कार्बन 13 का जो ग्राफ आता है वो बहुत लॉन्ग रेंज तक मिलता है। उसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत जो ग्राफ आते हैं वो बहुत वेल सेपरेटेड पीक इसके अंदर हमको मिलती है, और एनएमआर की जो पीक है वो क्योंकि बहुत कम ग्राफ कवर होता है उसका मतलब वो पीक ओवरलैप करती है, जबकि कार्बन 13 के अंदर इस तरीके की पीक नहीं होती है, ये बहुत ब्रॉड ग्राफ को ब्रॉड पार्ट को ये कवर करता है, इसलिए एनएमआर का जो सेपरेशन है वो अच्छा नहीं होता, जबकि कार्बन 13 का जो सेपरेशन है वो बहुत अच्छा होता है। अब हम यहाँ पर एक टेबल लेते हैं और उस टेबल के अंदर हम कार्बन किस फंक्शनल ग्रुप में होगा और वहाँ किस तरीके की पीक दिखाएगा उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये हमने एक टेबल ली है और इस टेबल को हम मेनली 4 टाइप में डिवाइड कर देंगे। पहला जो पार्ट आएगा उसके अंदर 1 degree, 2 degree, 3 degree, मतलब एल्काइल 1 degree एल्काइल, 2 degree एल्काइल और 3 degree एल्काइल हम ये लेते हैं, और हम इसको ये कह देते हैं कि जो सैचुरेशन है वो वाले सारे कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड जो आएंगे वो सब हम पहले वाले के अंदर हम लेते हैं, और उसकी ये रेंज दे रखी है। दूसरे पार्ट के अंदर हम ऐसा लेते हैं कि वो सैचुरेटेड तो है पर उसके साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े हुए हों, जैसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो, कार्बन के साथ क्लोरीन हो, कार्बन के साथ ब्रोमीन हो, तो ये वाला दूसरा वाला पार्ट बन जाता, उसकी रेंज भी यहाँ पर हमने दी हुई है। थर्ड के अंदर अनसेचुरेशन पार्ट के होता है और उसके अंदर एल्काइन, एल्कीन और एरोमेटिक ये कंपाउंड होते हैं, उसके लिए भी ये रेंज दे रखी है कि इस रेंज में उस कार्बन की पीक इतनी इतनी आती है। और लास्ट में जो हम लेते हैं वो हम लेते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड, वहाँ केवल कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले ग्रुप आ जाते हैं, तो एल्डिहाइड कीटोन। तो अगर हम टेबल में देखें तो वो रेंज चली जाती है 220 तक। अब हम एक कार्बन और हाइड्रोजन वाला कोई कंपाउंड लें और उसमें हाइड्रोजन को कंसीडर करें और ये देखें हाइड्रोजन की पीक कहाँ आएगी, तो उस पीक को पढ़ने के लिए हमें ये देखना होता है कि वो हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और उस कार्बन से कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है। तो एक हाइड्रोजन की पीक के लिए हमको हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन देखना होता है, उसके अलावा वो कार्बन किस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है ये भी देखना होता है। तो जो हाइड्रोजन की पीक जो आएगी वो वाया कार्बन आती है, किंतु अगर हम कार्बन 13 का स्पेक्ट्रा की बात करें तो उसमें हम डायरेक्ट कार्बन को देखते हैं कि ये डायरेक्ट जो कार्बन है वो किस एलिमेंट से जुड़ा हुआ है और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो इसके अंदर डायरेक्ट कार्बन को ही लेना होता है, जबकि हाइड्रोजन की पीक को समझने के लिए वो वाया कार्बन के साथ देखना होता है कि वो कार्बन के साथ में कौन कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और उससे फिर हाइड्रोजन की पीक हमें पता लगानी होती है या पीक आती है। तो इसलिए कार्बन की पीक जो है वो ज़्यादा डी शील्ड होती है और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ही जो है वो ही उसके ऊपर इफ़ेक्ट डालता है, इसलिए कार्बन की पीक बहुत सेपरेट, ब्रॉड और वेल डिफाइंड होती है, क्योंकि ये हम डायरेक्ट यहाँ पर कार्बन 13 या कार्बन को ही की ही स्टडी कर रहे हैं,
जबकि वहाँ पे कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन की स्टडी करते हैं, ये दोनों के अंदर यहाँ पर डिफरेंस आता है। तो जो कार्बन की पीक आती है उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है, क्योंकि कार्बन 13 की एबंडेंस बहुत कम है इस कारण से, और इसकी जो पीक है उन सबको हाई रेगुलेटिंग पावर पर देखना होता है, क्योंकि इसकी स्प्लिटिंग उसी से ही दिखाई देती है, बाकी इसकी जो ऐसी स्प्लिटिंग होती है वो हमको ऐसे पता नहीं चलती है इस कारण से। अब अगर हम इस टेबल को डिस्कस करें तो उसके कारण जो कार्बन के साथ जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े हुए होते हैं उनकी पीक बहुत नीचे आती है, ये हमने टेबल के अंदर देखा। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ते हैं वैसे वैसे पीक इसकी नीचे की तरफ चली जाती है, और कार्बोनाइल की तो बहुत ही नीचे आ जाती है, लास्ट में एल्डिहाइड और कीटोन आते हैं इस कारण से। तो ये कीटोन और एल्डिहाइड के जो कार्बन है उनकी पीक 185 से 220 ppm पर आती है। अब ये टेबल की जो वैल्यू है वो हमको थोड़ी सी ध्यान में रखनी ज़रूरी है, उसी से हम इसके केमिकल शिफ्ट की वैल्यू से ही स्पेक्ट्रा रीड करते हैं। तो इस टेबल को लेते हैं और उस टेबल के बाद में कुछ एग्जांपल लेते हैं, और उस एग्जांपल से हम ये देखेंगे कि इसके अंदर जो पीक आई है वो किस जगह आती है, और इसकी जो इसके अंदर जो ग्रुप लगे हुए होंगे वो कैसे होंगे, और कार्बन 13 किस तरीके से ये स्पेक्ट्रा देगा। तो इस टेबल की सहायता से हम ये कुछ कंपाउंड या कुछ एग्जांपल लेते हैं और उससे फिर हम इस स्पेक्ट्रा की स्टडी करते हैं। थैंक यू।